हे गाइस, आज मुझे आपके सिर्फ 10 सेकंड्स चाहिए, ओनली 10 सेकंड्स। अब ये 10 सेकंड में क्यों मांग रही हूँ, और ये 10 सेकंड में आपको ऐसा क्या कर लेना है, क्या कर लेंगे जिससे क्या मैजिक हो जाएगा इस 10 सेकंड में। हमको सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपने थॉट्स को बंद कर देना है। ट्राई कि आप सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए थॉटलेस हो जाए, ओनली 10 सेकंड्स। ठीक है, आप ये वीडियो देखने के बाद भी कर सकते हो, लाइव में भी कर सकते हो, पॉज करके, एज यू विश। लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपने माइंड को थॉटलेस बनाने की ट्राई कर। देखिए गाइस, अगर आप इवन 10 सेकंड के लिए भी अपने थॉट्स को थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जस्ट इमेजिन पूरे दिन में आप कितने सारे थॉट्स सोच रहे हो, और वो कितने हद तक अननेसेसरी थॉट्स है जो बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू कांट इवन कंट्रोल अ लिटिल बिट, मतलब 10 सेकंड तक आप 50% भी अगर थॉट्स को थोड़ा रोक नहीं पा रहे, तो फिर ये चीज़ तो आपको बहुत ज़रूरी है करना, प्रैक्टिस करना, राइट। सो आज से पता है क्या प्रैक्टिस करना है आपको। लोग अक्सर क्या करते हैं ना कि मेडिटेशन की सलाह देते हैं, लेकिन एकदम से जो बंदा कभी भी मेडिटेशन नहीं कर पाया अभी तक, और जो कंटिन्यू सोचता ही रहता है, एक जबरदस्त बड़ा ओवरथिंकर है। अब उसको अगर हम डायरेक्टली बोल दें कि 15 मिनट तक आपको मेडिटेशन करना है, थॉटलेस बनने की कोशिश करनी है, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको शुरुआत करनी है ओनली फॉर 10 सेकेंड्स। सिर्फ 10 सेकंड के लिए पहले आपको अपने माइंड को शांत करना है, मिनिमम थॉट्स आए वो कोशिश करनी है। डोंट फोर्स योरसेल्फ, वो भी बता देती हूँ, फोर्सफुली नहीं करना है, नेचुरली करना है, आराम से करना है। कोई आपको यहाँ पे भागा दौड़ी या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से धीरे धीरे, लेकिन 10 सेकंड से सिर्फ स्टार्ट करें। 10 सेकंड में आपको सक्सेस मिली कि यस, मैं 10 सेकंड के लिए भी अपनी थॉट्स को, अपने माइंड को शांत कर पाई। अब 15 सेकंड्स करें, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40, 50, 60 सेकेंड्स, मतलब एक मिनट तक आप थॉटलेस बनने की जो आप ट्राई करें, उसमें आपको सक्सेस मिली, इट्स वेरी बिग थिंग। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप एक मिनट तक भी अपने आप को थॉटलेस कर सकते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। ठीक है, धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए। ठीक है, ये आप करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करिए 10 सेकेंड से सिर्फ, मतलब कुछ भी नहीं, 10 सेकंड अभी 10 सेकंड हो जाते हैं, तो ये आप ट्राई करिए। एंड ये चीज़ आपको डेली करनी है, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। एंड मैं कहूँगी सिर्फ एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करिए। एक हफ्ते के अंदर अगर आप रेगुलर इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, धीरे धीरे उस पर जितना टाइम आप बढ़ाए, आपकी कैपेसिटी है, जितना भी आप करें, 10 दिन के अंदर या एक हफ्ता जैसे मैंने बोला, आप कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगेगा, आप ज़्यादा ओपन होंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अवेयर रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे। ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है, चाहे कुछ भी हो, मैनिफेस्टेशन हो, या हेल्थ को रिकवरी करनी हो, कोई भी इश्यू सॉल्व करना हो, प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, सब कॉन्शियस माइंड को उसके पावर को यूज़ करना हो, हर चीज़ में ये इस काइंड ऑफ मेडिटेशन। लेकिन हम बहुत धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा बिल्कुल आपको होगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए सबसे पहले। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे जो शायद अब तक किसी ने नहीं बताया। तो 10 सेकंड खाली पहले खुद को दीजिए, और बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। एंड जैसे जैसे आप इस चीज़ में माहिर होते जाएंगे, या अच्छे बनते जाएंगे, आप इतना एंजॉय करेंगे ना, क्योंकि मेडिटेशन चीज़ ऐसी ही है ना कि देखिए, थॉटलेस सिचुएशन में जब आप आएंगे, माइंड एकदम शांत हो जाएगा, तो जैसे कि इट्स लाइक कि आप कोई न्यू वर्ल्ड में आ गए हो, वो एक फीलिंग ही अलग होगी। ठीक है, और उससे जो फ़ायदा होगा वो अलग, हेल्थ बेनिफिट होंगे, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होगी, है ना, आपके काम अच्छे से होंगे, आप और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे, मेमोरी शार्प बनेगी, आप एक्शन लेंगे, आप अवेयर रहेंगे, इमोशंस बैलेंस होंगे, कितना कुछ हो सकता है इसके लिए, बहुत कुछ फ़ायदे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ ट्राई करिए, अभी के अभी 10 सेकंड दीजिए खुद को एंड प्रैक्टिस करिए। तो बस यही था आज का वीडियो, एंड बिल्कुल ये चीज़ प्रैक्टिस करना, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड रियली होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा।
सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल.